ओके स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ओके, मान लीजिए सपोज कि अपना जो विद्यालय है, अपने विद्यालय में स्कूल में सपोज क्लास वाइज नाइन्थ क्लास है, टेंथ है, एलेवेंथ है, ट्वेल्थ है, ठीक है ना। इसमें सपोज मैंने फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स को देखा है, तो उसमें जो टॉपर्स बच्चे हैं, सपोज ए है, ये टेंथ में बी है, ये सी है, और यहाँ पर ट्वेल्थ में डी लड़का है। सपोज दीज आर दी टॉपर्स इन अवर स्कूल क्लास वाइज। ओके, तो ये जो है अपने अपने क्लास के टॉपर से है ना, अपने अपने क्लास के टॉपर से, और सब ये टॉपर्स लिखता हूँ मैं, टॉपर्स, और बाद में लो अचीवर्स। सपोज यहाँ पे ई लड़का है, एफ है, जी है और एच है, एक कम मार्क्स वाले लड़के है, लो अचीवर्स है, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम वाले हैं, जिनको मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्लास में, है ना। सो मैक्सिमम वैल्यूज तो है ही है, लेकिन अपने अपने एरिया की है ना। नाइन्थ ईयर में ये टॉपर है, टेंथ में ये टॉपर है, एलेवंथ में ये टॉपर है, ट्वेल्थ में वो टॉपर है, डी वाला टॉपर है। तो अपने अपने एरिया में अपने अपने टॉपर्स है, और वैसे ये लो अचीवर्स उसी क्लास में ये कम कम मार्क्स वाले हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यूज, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यूज, ये मैक्सिमम वैल्यूज वाले बच्चे हैं। तो ये तो एक से ज़्यादा है, तो मैक्सिमा ये प्लूरल वर्ड है मैक्सिमम का, प्लूरल वर्ड मैक्सिमा, इसका मतलब मेनी वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती है। तो मैक्सिमा का मतलब होता है मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमा का मतलब होता है मिनिमम वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज, है ना। तो ये सारे मैक्सिमम वैल्यूज है, ये सारे मिनिमम वैल्यूज है, तो इसलिए इस वैल्यूज को कहते हैं हम लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। लोकली, अपने अपने लोकली एरिया में अपने अपने मैक्सिमम वैल्यूज, ये लोकली मैक्सिमम वैल्यूज है। और ये जो है मिनिमम वाले, ये हो जाएंगे आपके लोकल मिनिमम वैल्यूज, ये हो जाएंगे लोकल मिनिमम वैल्यूज। अब अभी पूरे स्कूल से जो सबसे टॉपर है, आवाज आ रही है क्या? हेलो कुणाल। हाँ सर। हाँ, पावर ऑफ बता रहा है, आवाज नहीं आया तो बता रहा हूँ मुझे। ओके, अभी एक मिनट, somebody is waiting, ये एट वेदांत। ओके, ठीक है। और ये सारे वैल्यूज में से जो विद्यालय में से सबसे टॉपर है, विद्यालय में से टॉपर, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इस सभी में से मैक्सिमम वैल्यू जिसकी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये तो लोकली है, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज होगी, और सबसे ज़्यादा जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू वाला हो जाएगा, है ना। और इसमें ये जो है मिनिमम वैल्यूज वाले बच्चे हैं, लोकली मिनिमम है, सबसे कम ज़्यादा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, सबसे कम वाला, एक मिनिमम वैल्यू में सबसे कम एक ही वैल्यू होगी। मिनिमा अगर बोलता हूँ मैं तो बहुत सारी वैल्यूज होगी, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सपोज ऐसा ग्राफ है आपके पास में इस टाइप का, देखिए यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, इस तरह से ऐसा, ये ग्राफ है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट लाइन निकालूंगा तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाएंगी, इसका मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट से, तो ये यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट यही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। वैसे यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाला पॉइंट, राइट।
फिर यहां से यहां तक देखिए आप, ये वाला पार्ट मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहां से यहां तक इस इंटरवल में देखिए ये वाला होगा। सो देयर आर डिफरेंट मैक्सिमम वैल्यूज, अलग अलग मैक्सिमम वैल्यूज है। तो इस ग्राफ में लोकल मैक्सिमा बहुत सारे हैं, लोकली मैक्सिमा, लोकल में, इसमें लोकल मैक्सिमा ये है, ये है, ये है, ये है, ये वाला है, ये लोकल मैक्सिमा हो गया। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू अगर यहां पर यहां पर है सर, तो सबसे ज्यादा ये वाली है मैक्सिमम वैल्यू, सभी लोकल मैक्सिमम में से सबसे ज्यादा मीन ये वाली हो जाएगी, बराबर है ना। वैसे यहां पर देखिए ये छोटी वैल्यू है, ये टर्निंग पॉइंट यहां पर है, यहां पर भी टेंजेंट जो है, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये भी टर्निंग पॉइंट, यहां पे कम वाली वैल्यू है, कम मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम है। सो देर आर डिफरेंट मिनिमा, डिफरेंट मिनिमा है, अलग अलग मिनिमम वैल्यूज है। इससे सबसे कम जो होगी, यहाँ पे सबसे थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं, तो सबसे कम ये वाली होगी, ये वाली वैल्यू, सबसे कम वाली मिनिमम वैल्यू, ये सभी में से, सभी लोकली मिनिमा में से सबसे कम वाली ये वैल्यू होगी। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सबसे छोटा है, राइट। सो दिस इज अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अभी यहाँ पर इसको, इसे मैं कंप्लीट करता हूँ, एफ ऑफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पर एक मैं ग्राफ निकालता हूँ, एक छोटा सा इंटरवल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, सब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो गया आपका ऐसा, इस ये वाला इंटरवल, ये इंटरवल है आई, विच इज डिनोटेड बाय आई, आई मीन्स हो सकता है कहाँ से कहाँ तक है, तो ए से लेके बी तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी है, या क्लोज इंटरवल भी ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ इसके बीच में आप क्या करो, अभी देखो डेफिनेशन क्या कहती है, लेट यफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यू देता है आपको वाई कोऑर्डिनेट, ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ यफ, यफ का जो डोमेन है यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू, ये देखिए यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू, ये उसका डोमेन है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, इसके डोमेन में कहीं तो भी एक पॉइंट सी है, सपोज यहां पर एक पॉइंट सी है, ठीक है ना। लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट, उसके अंदर में, इंटरवल के अंदर में, इन द डोमेन ऑफ यफ, देन नंबर वन, C is called a point of local maxima. इस point C को point of local maxima कहेंगे। X equal to C के, C point को maximum value कौन सी होगी, तो y coordinate देगा आपको। तो C जो point है उसको कहेंगे point of local maxima। कब? If there is an h greater than zero, एक कोई तो भी small increment h ले लीजिए, h greater than zero, suppose 0.5 है, पॉजिटिव नंबर है h, 0.5 आधा, आधा माइनस करो h, तो इधर h इक्वल टू 0.5, तो ये वाला पॉइंट जो होगा c माइनस h, h मेरा 0.5 है या आधा है, पॉजिटिव नंबर, तो c में से माइनस, माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, उसमें ऐड करो तो c प्लस h होगा, c के लेफ्ट हैंड साइड में और c के राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो फॉर ऑल, अगर h इज ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ x, f ऑफ c की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू y कोऑर्डिनेट, वो f ऑफ x से हमेशा बड़ी ही हो, f ऑफ x मींस अभी जनरल पॉइंट x, बाकी जितने भी इस पर x कोऑर्डिनेट्स है, यहां इस इंटरवल में x कोऑर्डिनेट x जितने भी है, सभी x से ये c के पास में f ऑफ c की वैल्यू अगर ज्यादा है, तो फॉर ऑल x इन c माइनस एच टू c प्लस एच, या तो इसके अंदर c माइनस एच, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में कोई भी x ले लीजिए, c माइनस एच से लेके c प्लस एच, यहां से यहां तक इसके बीच में कोई भी आप x ले लो, वो f ऑफ x की वैल्यू छोटी ही रहेगी, f ऑफ c की वैल्यू सबसे बड़ी ही रहेगी। अगर f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल x इन ओपन इंटरवल c माइनस h टू c प्लस एच, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ c इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। तो f ऑफ c, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा c और f ऑफ c,
एफ ऑफ सी मीन्स वाई कोऑर्डिनेट जो होगा एफ ऑफ सी दैट विल बी कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. वेरी सिंपल. क्या है देखो, इफ एफ इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, सी बी एनी पॉइंट, सी कोई भी पॉइंट है इन द गिवन इंटरवल, ठीक है, एंड इफ एच इज ग्रेटर देन जीरो ले लो, सी माइनस एच टू सी प्लस एच के बीच में, अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू बड़ी है एफ ऑफ एक्स से, बाकी एक्स कोऑर्डिनेट से, सी माइनस एच टू सी प्लस एच के ओपन इंटरवल के बीच में जितने भी एक्स होंगे सभी से एफ ऑफ सी की वैल्यू अगर बड़ी है तो एफ ऑफ सी को हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे. दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. आई के पास समझ में कोई डाउट है? डेफिनेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू. ये लोकल मैक्सिमम, ऐसा और भी हो सकता है दूसरा लोकल मैक्सिमम, तो दिस इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकली मैक्सिमम, ठीक है ना. अगर ये ग्राफ कंटिन्यू चलेगा तो बहुत सारी होगी, तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ. मैक्सिमम बोलेंगे बहुत सारी मैक्सिमम दिया तो उसमें से मैक्सिमम जो रहेगी दैट विल बी मैक्सिमम, लेकिन फिलहाल ये तो लोकली मैक्सिमम है, ठीक है ना. वो ग्राफ आगे अगर मैंने कंटिन्यू किया तो दिस विल बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो भाविका. हाँ ओके ओके. अभी वैसा ही दूसरा डेफिनेशन है. दूसरा डेफिनेशन क्या है कि फिर से सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, देर इज एन एच एफ ऑफ सी इज लेस देन. अगर ये एफ ऑफ सी छोटा है, एफ ऑफ सी छोटा आता बाकी एफ ऑफ एक्स से, सी माइनस एच टू सी प्लस एच में, द वैल्यू एफ ऑफ सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू. यहाँ पे मिनिमम दो वर्ड चेंज की दिए डेफिनेशन में, बस ये मिनिमम एक यहाँ पे चेंज किया, हमें ये सिंबल चेंज किया और यहाँ पे मैक्सिमम बदले में मिनिमम कर दिया. अब इसका ग्राफ कैसे होगा देखिए, ऐसा इस टाइप का सपोज़ ग्राफ है, ओके. यहाँ पे फिर से लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड सी बी एनी पॉइंट, सी कोई भी एक पॉइंट है, बी एन इंटीरियर इन द डोमेन ऑफ एफ, ये डोमेन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, बी एन इंटीरियर, इसके इंटीरियर में कहीं तो भी एक सी पॉइंट है, देन सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. यहां पर मिनिमा कर दीजिए, लोकल मिनिमा कब, इफ देर इज एन एच ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ सी की वैल्यू बाकी एफ ऑफ एक्स से छोटी ही रहेगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल सी माइनस एच टू सी प्लस एच. तो लेफ्ट हैंड साइड में एक एच माइनस कीजिए तो ये सी माइनस एच होगा, इधर राइट हैंड साइड में सी प्लस एच होगा, एच में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एच में ऐड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको मिलेगी. तो यहाँ से यहाँ तक ये जो इंटरवल है, यहाँ से इस ओपन इंटरवल के बीच में बाकी कोई भी एक्स ले लीजिए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ सी से बड़ी रहेगी, है ना. तो सी की वैल्यू एफ ऑफ सी की सबसे छोटी है, तो एफ ऑफ सी अगर बाकी एफ ऑफ एक्स से छोटा है इस डोमेन में सी माइनस एच टू सी प्लस एच के बीच में कोई भी एक्स के लिए, अगर एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स से छोटा ही आता है इन द ओपन इंटरवल सी माइनस एच टू सी प्लस एच, देन द वैल्यू एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ. तो लोकली मिनिमम हो गई, तो मिनिमम अरे हो सकता और भी होगी, दूसरी मिनिमम वैल्यू होगी और यहाँ पे तीसरी मिनिमम वैल्यू होगी, बहुत सारे तो लोकली मिनिमा हो गए, लोकली मिनिमम वैल्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे अगर वो ग्राफ में कंटिन्यू करता हूँ तो, ठीक है. तो ये मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू तीन जगह पे मैंने चेंज किया, एक तो मिनिमा लिख दिया, यहाँ पे सिंबल लेस देन कर दिया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पहले ही डेफिनेशन है, ठीक है. तो सिंपल है, अगर एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और सी बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोई भी एक सी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देन द सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कब, अगर सी माइनस एच टू सी प्लस एच के बीच में एफ ऑफ सी छोटा आता है एफ ऑफ एक्स से, देन एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके, ठीक है.
आता बघा इथे जे असते समटाइम्स टर्निंग पॉइंट जे असतात ग्राफचे, दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स, इसी को ये जो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सो ये जो है आपके सारे टर्निंग पॉइंट्स है, टर्निंग पॉइंट्स, और उसी को स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स, और उसी को क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स किससे कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मींस या तो एफ डैश एक्स आपका जीरो आना चाहिए, या फिर एफ डैश एक्स जीरो होगा क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू या तो जीरो आना चाहिए, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या तो फिर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे डिफाइंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स लेता हूँ, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव उसका। अगर मैं एफ डैश एक्स जीरो बनाना चाहता हूँ, एफ डैश एक्स जीरो मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जीरो कर दो, है ना, जीरो बनाना चाहता हूँ, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सो दैट इज माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे भी पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे, है ना, इस टाइप के पॉइंट जो भी, या तो एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए, या तो फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, हाँ अगर ऐसा है तो वो सारे पॉइंट जो होंगे उसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में आता है और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है देखते हैं। लेट बी एफ बी ए कंटिन्यूअस एट ए क्रिटिकल पॉइंट, लेट एफ बी ए फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन, ठीक है ना, एफ कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए, डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल आई, डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल आई, आई मीन्स कोई तो भी एक इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल, इसको मैं डिनोट किया आई से, ठीक है ना। लेट एफ बी कंटिन्यूअस, लेट एफ बी कंटिन्यूअस भी है, वो जो फंक्शन है कंटिन्यूअस ग्राफ चलेगा, एट ए क्रिटिकल पॉइंट सी, एट ए क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट सी, क्रिटिकल जो पॉइंट होगा वो वहां पर वो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस में है, डिफरेंशिएबल है, क्रिटिकल पॉइंट एट सी इन आई, सी कहां पर है तो इस ओपन इंटरवल आई में है, जो आप ओपन इंटरवल ले लेंगे उसमें वो सी है। देन देन नंबर वन, इफ इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, चेंजेस साइन, डेरिवेटिव जो है अगर साइन चेंज करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एज एक्स इंक्रीजेस, एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, थ्रू सी, दैट इज, दैट इज इफ एफ डैश एक्स, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट सफिशियंटली क्लोज टू, sufficiently close, sufficiently close to and to the left of C, to the left of C, and f dash x is less than zero at every point, at every point, at every point sufficiently close, sufficiently close to and, close to and,
टू द राइट, टू द राइट, टू द राइट ऑफ सी, देन देन सी इज ए पॉइंट, सी इज ए पॉइंट, सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ऑफ लोकल मैक्सिमा। देखो सिंपल है इसका, यहां पे फिगर निकलता हूं मैं, देखो थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं, यहां पर निकालता हूं, यहां देखिए ये ऐसा ग्राफ है सपोज, ठीक है। देखो लेट एफ बी ए कंटिन्यूस, एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल आई, आई मीन्स ये यहां से x और यहां पे x क्वाड्रेंट, तो ये वाला उसका इंटरवल होगा, यहां से यहां तक ग्राफ चल रहा है। सो ओपन इंटरवल इन आर, लेट एफ बी कंटिन्यूस एट ए क्रिटिकल पॉइंट, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये वाला क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे वो कंटिन्यूस है ना, यहाँ पर वो कंटिन्यू हो रहा है, इसमें से जाते समय वो कंटिन्यू ग्राफ है, जंप नहीं कर रहा है, इट इज कंटिन्यूड एट पॉइंट सी, सी के पास वो कंटिन्यू चल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, देन इफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, जब एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है थ्रू सी, इस पॉइंट के थ्रू में सी में से, सी में से जाते समय एक्स व्हेन पासेस थ्रू लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, थ्रू सी में से पास हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के थ्रू टूवर्ड्स जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ सी में से जा रहा है। अगर एफ डैश इट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डैश एक्स मींस क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अभी अगर मैं इस यहां से इस साइड में कितने भी टेंजेंट लाइन निकालू तो इस टाइप के आ जाएगा। उस दिन मैंने बताया कि जितने भी ऐसी ऐसी लाइन होती है, ऐसी ऐसी लाइन एक्स एक्स एक्सिस को ऐसी ऐसी लाइन निकालो तो जितने भी एंगल्स बनेंगे वो लेस देन 90 डिग्री बनेंगे, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, दैट इज एंगल कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में आपको मालूम है साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन पॉजिटिव रहेगी, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आता है सी के लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इधर अगर टेंजेंट लाइन निकालू मैं, एक बहुत सारी टेंजेंट लाइन होगी वो इस ऐसी ऐसी आ जाएंगी, यहां पर जो टेंजेंट लाइन आ जाएगी ऐसी 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 आ जाएगी, तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ में ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स एंगल गोस इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है नेगेटिव होता है, सो टैन थीटा डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिव, टैन थीटा मीन्स आपका स्लोप मीन्स डेरिवेटिव फंक्शन का एफ डैश एक्स यहाँ पे नेगेटिव होगा, इस साइड में नेगेटिव होगा, इस साइड में पॉजिटिव होगा। सिंपली ऐसा देखो, अगर ऐसा ऐसा बढ़ रहा है फिर नीचे आ रहा है, मीन्स यहाँ पर अगर पॉइंट सी है तो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मीन्स यहाँ से पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं व्हेन वी पास थ्रू द पॉइंट सी, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो वो आपका पॉइंट जो होगा मैक्सिमा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी के पास लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी स्लोप्स होंगे टेंजेंट लाइन के, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, इधर जो है वो लेस देन जीरो होगी, दैट इज इधर आपका नेगेटिव होगा एफ डैश एक्स, इधर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। तो अगर ऐसा है तो ये जो सी है, दिस सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सी पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये वैल्यू वैल्यू आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे। देखो लेट ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, देखो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इफ लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, यहाँ से यहाँ तक है, यह भी कंटिन्यूस है, ये सी में से जाते समय ये फंक्शन कंटिन्यूस है, देन नंबर वन इफ एफ डैश एक्स चेंजेस, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव फंक्शन का, एफ डैश एक्स अगर चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर वो साइन चेंज करता है एफ डैश एक्स, एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, एक्स इंक्रीज हो रहा है या पासिंग थ्रू द पॉइंट सी, पॉइंट सी में से एक्स पास होते समय अगर एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के वेरी क्लोज, कितना भी क्लोज ले लो वहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए,
वेरी क्लोज टू राइट हैंड साइड ले लो, वहां पे f dash x नेगेटिव चाहिए, एंड f dash x इज लेस देन 0 एट एवरी पॉइंट सफिशिएंट का क्लोज टू एट राइट, राइट में नेगेटिव स्लोप f dash x लेस देन 0 मींस नेगेटिव स्लोप, और यहां पर f dash x पॉजिटिव, वेरी क्लोज टू c, वेरी क्लोज टू c लेफ्ट हैंड साइड में f dash x ग्रेटर देन 0, very close to c right hand side mein f dash x is less than 0 that is negative, agar aisa hai then c is a point of local maxima, to is c point ko hum local maxima kahenge, simple hai, dekhiye koi bhi aapko graph diya hai, theek hai, ek turning point is c, to wo c ke paas mein dekhiye when that x passes through the point c, अगर f dash x आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, when x passes through the point c, जब x आपका c में से जा रहा है और f dash x अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, then that point c is called point of local maxima, और उसका उल्टा क्या होगा कि अगर f कोई भी फंक्शन है, एक ओपन इंटरवल ले लीजिए, सी उस ओपन इंटरवल में का है, अगर सी में से एक्स आपका पास हो रहा है और एफ डैश एक्स आपका साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जैसे ऐसा देखिए ये डाउन मींस नेगेटिव ग्राफ, अच्छा डाउन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसा होता है, अच्छा डाउन नेगेटिव, डाउन मींस नेगेटिव होता ना, अच्छा डाउन फिर ऐसा पॉजिटिव हो रहा है ना, तो व्हेन एक्स में से पास होता है समय ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो डेफिनेटली दैट पॉइंट नीचे का जो पॉइंट होगा लोकल मिनिमा हो जाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, समझ में आएगा? हेलो अनुशेष, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि टर्निंग पॉइंट के पास में सी के पास में अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के तरफ एक्स जाते समय अगर एफ डैश एक्स आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, अगर सी में से एक्स पास होते समय अगर एफ डैश एक्स आपका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो वो जो पॉइंट सी होगा वो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके चलो हाँ, और दूसरी बात अगर अगर समटाइम्स इट मे हैपन दैट सी में से पॉइंट जाते समय एक्स जाते समय वो एफ डैश एक्स साइन ही अपना चेंज नहीं करेगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, कोई साइन ही नहीं चेंज करता है, तो इन दैट केस दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थर्ड ये नंबर वन हो गया, नंबर टू यहाँ पे एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम यहाँ पे नेगेटिव ले लो नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो एट एवरी पॉइंट सच सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी से नेगेटिव एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वेरी close to sufficient close to and to the right of c then f c is a point of local या फिर मिनिमा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, दिस इज लोकल मिनिमा अगर c में से जाते समय ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है f dash x, हां तो दैट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देन थर्ड इसी में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में थर्ड इफ f dash x does not change कोई अपना साइन ही चेंज नहीं करता, साइन does not change साइन as x increases through c then c is उसको neither a point of local maxima then c is neither
नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर साइन इन चेंज कर रहा है वो एफ डैश एक्स का कोई साइन इन ही चेंज हो रहा है सी में से जाते समय तो वो ना इट विल नाइदर लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा ओके इनफैक्ट सच ए पॉइंट इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ठीक है इस तरह से तो क्योंकि जैसे कि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ये फंक्शन ले लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब तो एफ डैश एक्स क्या होगा एक्स क्यूब है तो ठीक है इसका आप इसका ग्राफ निकालिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर होगा अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लेने की कोशिश करता हूँ तो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू भी जीरो ही आता है तो आप इसका अगर ग्राफ निकालेंगे तो देखो वेरी क्लोज टू ये टेक्स्ट बुक में दिया है देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब आता है ठीक है इस टाइप में यहाँ पे ऐसा ग्राफ आएगा इस टाइप का ग्राफ आता है यहाँ पर आप वेरी क्लोज टू जीरो जीरो के पास में आप साइन चेंज करके देखिए एफ डैश एक्स का तो यहाँ पे देखिए ये दिस विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप एफ डैश एक्स वेरी क्लोज टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड में निकालिए और एफ डैश एक्स वेरी क्लोज टू जीरो राइट हैंड साइड में निकालिए आप चेक कीजिए दैट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल दैट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ डैश एक्स चेक कीजिए आप ओके देन चलो हम इसका कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना है इफ एनी अगर है तो है ना ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस नीचे दिए हुए फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालिए अगर है तो ओके गिवन बाय फंक्शन है आपका नंबर वन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कोई एफ डैश एक्स वगैरह वो नहीं चेक करना है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अभी यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर है टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है अभी मैं एक्स यहाँ पे पॉजिटिव रखूँ या निगेटिव रखूँ कुछ भी रखूँ मुझे ये बताइए कि इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है सबसे कम वैल्यू क्या आ सकता है आप बताइए क्या होगा देखिए क्या इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है क्योंकि स्क्वायर है इसका आंसर नेगेटिव आ सकता जीरो हाँ नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर है इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है पॉजिटिव ही आएगा ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन जीरो आएगा क्या इसका आंसर जीरो भी बन सकता है इसका आंसर जीरो बन सकता है यस यहाँ पे अगर वन टू रखो तो जीरो भी बन सकता है एक्स इक्वल वन बाई टू पुट करो वन माइनस वन जीरो जीरो सो सबसे कम इसका आंसर जीरो आ सकता है इसका आंसर सबसे कम जीरो आ सकता है इससे ज्यादा हो इससे कम हो ही नहीं सकता है नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता इसका मतलब सबसे कम वैल्यू इसका जीरो और ये प्लस थ्री इसका मतलब सबसे कम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी होगी थ्री होगी ये पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी थ्री होगी ना समझ में आएगा इसका सबसे कम से कम वैल्यू जीरो हो सकता है और ये प्लस थ्री है तो टोटल मिला के इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आपकी थ्री होगी ये बात समझ में आई क्या
अंजलि। यस सर। हाँ अच्छा, अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करो। तो मैक्सिमम मैं क्या करूंगा कि जैसे ये 2x-1 होल स्क्वायर, मैं x यहाँ पे सपोज बड़ा लेता हूँ, 2 × 4-1 होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 8-1 = 49 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 × दूसरा लेता हूँ, 10 लेता हूँ -1 होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 20 - 1 19 का स्क्वायर, तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे व्हेन आई एक्स जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ाते जाऊंगा, तो वैसे वैसे इस ब्रैकेट का स्क्वायर की वैल्यू आपकी बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे कम करोगे वैसे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि अगर -20 लेता हूँ, -20 -40 -1 -41 का स्क्वायर है ना, तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, तो इनफाइनाइट की तरफ जाती है। तो क्या इसको मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इस फंक्शन को हो सकती है क्या मैक्सिमम वैल्यू एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर के ले लीजिए, तो क्या इसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्या एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है क्या इसको, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आवाज आ रहा है क्या रोहन, यस सर, हो सकती है क्या, यस हो सकती है, सर, नहीं हो सकती ना, बहुत सारी है क्या ना मैक्सिमम, जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाओगे या एक्स कम कम करते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती ही जाएंगी फंक्शन की, जितना आप बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी, जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसको मिनिमम वैल्यू है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसे नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्यूशन में मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहले ये वाला ले, 2x-1 होल स्क्वायर इज 0, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है ना, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल 0 + 3 दैट इज 0, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम, कोई पर्टिकुलर ऐसी नहीं है फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, फाइनाइट ऐसी मैक्सिमम वैल्यू इसे नहीं है, बढ़ती ही जाएगी। ओके, दूसरा फंक्शन ले लीजिए, दूसरा लीजिए, सबो 9x² + 12x और +2। जनरली क्या करना है, इसको फैक्टर्स के रूप में लिखना है, ताकि हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अभी ये जो है 9x² + 12x + 2, अब यहाँ पे मैं थोड़ा पॉसिबल होगा मिनिमम वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू कैसी है, एक्स कैसा होगा है ना, तो इसको थोड़ा सा अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3x + 2 होल स्क्वायर - 2 कीजिए। देखिए 3x के 9x² हो गया, ये +12x हो गया, +4 हो गया, और -2 कीजिए, तो ये भी मिल गया ना आपको, बराबर ना, यहाँ पे ये 9x होल स्क्वायर, इसको 3x ले लीजिए पहले, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 2 आपको इसको इसे ऐसा लीजिए, इसको ऐसा लिखता हूँ मैं 9x² + 12x + 4 - 2, तो ये 2 ही बन गया, तो यहाँ पे ये जो है 3x + 2 होल स्क्वायर है इतना, और ये -2, ठीक है। अभी मैं मिनिमम वैल्यू बताइए, इसका कम से कम वैल्यू कितना हो सकता है, पहले ब्रैकेट का होल स्क्वायर कम से कम कितना होगा, कितना हो सकता है, जीरो जीरो हो सकता है, जीरो और ये -2, तो कितना होगा -2, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -2, -2 से कम नहीं हो सकती है, बराबर है -2, तो ये और मैक्सिमम हो सकती क्या, क्या उसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, हियर f ऑफ x इक्वल टू 9x² + 12x + 2 है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो 9x², ये 3x होल स्क्वायर है, 3x पहला टर्म लिख दिया, अब मुझे यहाँ पे 12x चाहिए, तो 2 × 1 × 2 × 2, इसका मतलब 2 लगेगा, इसका स्क्वायर कर दो। अभी यहाँ पे मैंने
9x² प्लस 12x+4 प्लस 4 आ गया, मुझे प्लस 2 चाहिए था, इसका मतलब एक माइनस 2 माइनस कर दीजिए, तो अब ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी और ये माइनस 2 है ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x+2² इज 0, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) दैट इज फंक्शन ये वाला है 9x² + 12x+2 इज -2 हो जाएगी मिनिमम, मैक्सिमम तो उसे हो नहीं सकती, f(x) डज नॉट हैव फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यूज हियर, क्योंकि जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसी वैसी वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, हियर f(x) डज नॉट हैव फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू इसे नहीं है, बहुत सारी है पता नहीं है ना, इनफाइनिट है यहाँ पर, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू से नहीं है पर्टिकुलर, ऐसी कोई बता नहीं सकते कि ये वाली उसकी मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं बता सकते हम, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते, थर्ड वाला लीजिए टाइम, ओके हम यहाँ पे रुक जाएंगे, टाइम हो गया, ओके थैंक यू।